हाँ जी, हेलो बच्चों, आज हमारी अगली क्लास है। हम शुरू करते हैं इसको आगे का टॉपिक जो पिछली क्लास में हमने एंड किया था। चलो एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन, फिर उसका आगे हम कंटिन्यू करते हैं। याद है आपको, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था आपके साथ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और हम लगभग 3-4 क्लासेज कर चुके हैं। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने, आप याद करो, पिछली क्लास तक हमने डिस्कशन जो किया था उसके अंदर में हमारा एक डिस्कशन हो चुका था जी, आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर। हमने आपको बताया था कि उसमें पार्टनरशिप डीड हो तो फिर क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर क्या करेंगे। हमने सारा कुछ प्रॉपर तरीके से काम किया था। पिछली क्लास में हमने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू किया था, और कैपिटल अकाउंट में क्या देखा था जी, दो मेथड हमारे पास थे बच्चे। मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, मैंने लिखा नहीं था इसके बारे में। एक था आपका फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा था फ्लक्चुएटिंग आपका। हमने पिछली क्लास में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था, आपको याद होगा। आज हम शुरू करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में। थोड़ा सा आप लिखिए, पहले मेरे साथ लिखेंगे, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो, आपसे कोई पूछे कि मेथड्स कितने हैं ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास मेथड्स कितने हैं। मेरे बच्चे, दो मेथड है। हमने पिछली क्लास में डिस्कशन तो किया था, लेकिन हमने आपको फॉर्मेट नहीं दिया था। आज हम शुरू करते हैं कि हमने क्या क्या करना है। देखो, इसमें दो मेथड में एक आपका मेथड था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। यहाँ पे क्या बता जी, हमने एक ही अकाउंट तो बनाया था। जरा बताओ कौन सा अकाउंट बनाया था, बताइए जरा सर। हाँ, आपने बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने कहा था कि एक साल में पार्टनर्स के जितने भी लेन देन होते हैं उन सारे लेन देन को आपने क्या किया था, फ्लक्चुएटिंग में ट्रांसफर किया था, याद है ना आपको। हाँ जी सर, ये तो हमने पिछली क्लास में सीखा था। आपने दो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कराए थे, उन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में हमने अच्छी तरीके से बातें क्लियर कर ली थी। हम इस लायक हो चुके थे कि बुक के किसी भी क्वेश्चन को कर जाएंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप चिंता ना करना। आज हमारा जो सेकेंड मेथड है बच्चे, जिसके बारे में पिछली क्लास में थोड़ा बहुत कहा तो था मैंने, लेकिन मैंने ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, वो था फिक्स कैपिटल मेथड आपका, फिक्स कैपिटल मेथड आपका। ये हमारा सेकेंड मेथड है। आज हमारी पूरी क्लास जो होगी हम इसके ऊपर में चलेंगे, हम प्रॉपर तरीके से इनको समझेंगे भी, इनमें किसी तरीके की डाउट हमारे दिमाग में ना आ जाए, ताकि दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप 12th क्लास की बात करो, चाहे CA, CMA, CS, BCom कुछ भी करेंगे, आपका प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखो, इसके अंदर में दो अकाउंट बनता है बच्चे, दो अकाउंट। यहाँ तो एक ही अकाउंट बना था ना, बट यहाँ दो बनता है। एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक आप यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये तो वहां भी बना था। हाँ बच्चे, यहाँ भी बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका, और एक आप यहाँ बनाते हैं जी नंबर बी में आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, आप यहाँ बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर ये क्या चीज है, आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, आज जब हमारी क्लास खत्म होगी तो हम इनके बारे में प्रॉपर तरीके समझ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप जहां भी परेशान होंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, आपको चिंता नहीं करना। तो दो मेथड है यहाँ पे जी, एक आपका फ्लक्चुएटिंग, एक फिक्स्ड। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, ये हमने पिछली क्लास में हमने क्या किया था, देखा था इसके बारे में जी। आज हमारा डिस्कशन क्या होगा, फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में होगा। दो मेथड आपके पास है, एक आपका यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग, दूसरा फिक्स्ड, आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, आप नोट डाउन कर लो। अगर नोट डाउन कर चुके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप पॉज कर लो जी, रोक लो मुझे, आपके हाथ में ही तो हूँ, आप पॉज करो, रोको, फिर लिखो, फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब लिख लिया होगा आप लोगों ने मेरे साथ, और आपको एक आदत डालनी है, लिखना मेरे साथ करना बच्चे, आगे पीछे नहीं, ये फैसिलिटी है, इससे कोई बात नहीं, फिर भी लिखना मेरे साथ, एक अच्छी आदत बनेगी। तो मैं शुरू करता हूँ आज आपका फिक्स कैपिटल मेथड आपका। सर एक बात बताऊँ, आपने जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लिखाया था उससे क्लियरिटी ज़्यादा आ जाती है, तो एक काम करो ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से ही करा दो इसको आपका, ठीक है बच्चे। मैं शुरू करता हूँ फिर आपका आज, आइए जरा फिर से लिखेंगे। आप पहले एक हेडिंग डालो, आप आज की शुरुआत में कर रहा हूँ आपका यहाँ पे, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। आज की शुरुआत है जी आपका फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में, आपका फिक्स कैपिटल मेथड। हम इस मेथड के बारे में आपके साथ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, हम इनके बारे में समझना है, एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, बस ये ध्यान रखेंगे। लिखिए मेरे साथ आज आपका पहला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसको जानने के बाद ही तो हम सारी बातें समझ पाएंगे आपका। फिर देखना मैं कुछ ना पढ़ाऊं तो भी आप समझ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। एक काम करो, एक डायग्राम से हम आज भी स्टडी करेंगे, एक डायग्राम आपका।
इस डायग्राम में ये मान लो आपका 1 जनवरी 2016 है बच्चे आपका 2016, और ये मैं इसका एंड करता हूँ इस साल का 31 दिसंबर 2016 आपका 2016 आपका। मान लो यहाँ पे दो पार्टनर हैं, कहता है कि आपका कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पे है वो कहता है कि ए का और बी का, ए का कहता है जी मान लो यहाँ पे 6 लाख रुपए का कैपिटल बचे, 6 लाख रुपीज का अमाउंट, और बी का कहता है कि आपका 4 लाख रुपीज का कैपिटल आपका 4 लाख रुपए का अमाउंट है। ए का कहता है कि 6 लाख रुपए, बी का कहता है कि 4 लाख का अमाउंट, ठीक है ना? हाँ जी सर, ठीक है। फिर कहता है कि आपने साल के बीच में, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने क्या किया है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया है, ड्रॉइंग्स किया है, ड्रॉइंग्स। सर ये तो पिछले ही क्लास का क्वेश्चन निकल के आ रहा है। हाँ बच्चे वही काम कराऊंगा, थोड़ा सा दूसरे मेथड के अंदर में, कुछ बड़ा चीज़ नहीं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ड्रॉइंग्स कहता है कि ए ने जो किया है वो 1 लाख रुपये का अमाउंट आपका है, और बी का ड्रॉइंग्स चलो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मान लो कहता है कि 60,000 का अमाउंट आपका है, 60,000 रुपये का ड्रॉइंग्स, ठीक है ना? हाँ जी सर, ठीक है। फिर कहता है कि साल के एंड में आपने क्या किया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट आपका, और प्रॉफिट कहता है कि मान लो आपने यहाँ कमाया कितना, लिख दो बताओ जरा, कितना लिखो बताओ, चलो मैं 5 लाख रुपए लिख देता हूँ, 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। इनके बीच में जो पार्टनरशिप डिड है, अब मैं आज से डिड लिखना शुरू कर दूंगा, पार्टनरशिप डिड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे ये डिड, तो पार्टनरशिप डिड में कहता है कि पार्टनर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ये मान लो कहता है कि 10% आपका पर एनम होगा। फिर कहता है कि पार्टनर्स को सैलरी भी मिलना है, सैलरी मान लो ए को और बी को, ए की सैलरी मान लो 20,000 रुपये का अमाउंट है, और बी की सैलरी मान लो यहाँ पे 10,000 का अमाउंट है, तो ए को 20,000 रुपये, बी को 10,000 रुपये का अमाउंट मिल रहा है। फिर कहता है यहाँ पे आपका इसके बाद जो भी बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन रेडी करते हैं पहले हम लोग, बैलेंस प्रॉफिट जो बच जाएगा वो कहते हैं कि आपस में मान लो 3:2 के रेशियो में या 3:1 के रेशियो में, सर क्यों चेंज कर रहे हो, बस ऐसे ही मन किया, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये बोलता है कि प्रिपेयर, लिखे मेरे साथ, मेरे साथ लिखना बच्चे, ना आगे ना पीछे, कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक तो आपको ये बनाना है, और फिर कहता है कि एंड कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है जी, कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपका, ध्यान से ये कहता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर में आपको यहाँ पे क्या करना है जी, अकाउंट बनाने हैं आपको, अकाउंट बनाने, ठीक है ना? तो हमारा काम क्या होगा जी, एक तो बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक आपके लिए बनाना है यहाँ पे फिक्स कैपिटल के मेथड में कैपिटल अकाउंट आपका, ठीक है ना? चलो शुरू करता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे निकल के आएगा, आपको टेंशन नहीं करना, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मुझे बनाना होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप जरा आ जाओ यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर में, आप आइए जरा यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर में, आप मेरे साथ बनाएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे प्रॉफिट का हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। पता नहीं कितने हम इसको कर चुके बच्चे, कितना क्वेश्चन कर चुके, ये अब आपको परेशान नहीं कर सकता, आप इसको जानते हैं। मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है, सर 5 लाख रुपए। लिखो यहाँ पे कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, जो आपने प्रॉफिट कमाया वो 5 लाख रुपए का अमाउंट है आपका, 5 लाख रुपए का अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ पे आपका, ठीक है जी। एग्रीमेंट के मुताबिक पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लिखिए अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है जी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है वो किसको देना है, पार्टनर्स को। पार्टनर का नाम क्या है, ए एंड बी। आप याद करो पिछली क्लास, जब पिछली क्लास में आपने इंटरेस्ट दिया था तो आपने लिखा था यहाँ पे हम किसको दे रहे हैं जी, कहाँ ऐड करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट में। मेरा वर्ड सुना मैंने, क्या बताया, मैं पूछ रहा हूँ जरा बताओ ये जो अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ऐड किया जाएगा, तो आपने कहा कि सर एज कैपिटल अकाउंट में, पिछली क्लास में कहा था, पिछली क्लास में। लेकिन मेरे बच्चे अब ऐसा नहीं होगा, कहते हैं कि ये प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड आपका है, फिक्स कैपिटल मेथड, तो जितने भी इंटरेस्ट, जितने भी चीज का एप्रोप्रिएशन होना है ना, वहां पे एज कैपिटल के बजाय आप कह देना एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, ये एज करंट में जाके ऐड हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, ठीक से बताओ ना, आज ठीक से बता नहीं रहे हो बच्चे, बताऊंगा मैं आपको, आप चिंता ना करो, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा लिख लो, आगे खुद क्लियरिटी हो जाएगी मेरे बोलने के बजाय, बिना बगैर बच्चे आपका। अच्छा, और बी का जो इंटरेस्ट होगा ना
वो बीज कैपिटल के बजाय आप क्या करेंगे, बीज करंट अकाउंट में आप ऐड करेंगे। यानी कि पिछली क्लास में जितने भी हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे, वहां पे सबकी ट्रांसफरिंग हमने उनके कैपिटल अकाउंट में किया था। हमने ट्रांसफरिंग कहाँ किया था बच्चे, कैपिटल अकाउंट में। आपको याद होगा फ्लक्चुएटिंग के अंदर में हमने कैपिटल अकाउंट में ऐड किया था। आज हमें क्या करना है, उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। ठीक है सर, ठीक से बताओ ना। बताऊंगा बच्चे, मैंने कहा ना टेंशन ना करो, मैं सब समझाऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, सिर्फ एक चेंज करना है, जहां पे कैपिटल अकाउंट है वहां पे करंट अकाउंट लिख दो, बस। आगे बढ़ो आप, आगे। हमें फिर सैलरी पे करना है जी ए एंड बी को। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा टू सैलरी, आपने यहाँ पे सैलरी लिखा, सैलरी आपने बोला जी एज करंट अकाउंट, फिर से करंट अकाउंट। हाँ बच्चे, मैंने कहा ना आज तो जो कुछ भी होगा वो उनके करंट अकाउंट में ही जाएगा, एंड बीज करंट अकाउंट। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, आपने अमाउंट नहीं लिखा। अमाउंट क्या नहीं लिखना, लिखना बच्चे अमाउंट लिखना, गलती से अमाउंट छूट गया, माफ कर दो आप मुझे। आप ही बताओ ना कि आखिर 10% के हिसाब से कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो सर ए का कैपिटल 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से ए का जो इंटरेस्ट बन गया वो 60,000 का अमाउंट बन गया आपका, माफ कर दो गलती से छूट गया था बच्चे। अच्छा बी का कैपिटल 4 लाख रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि 10%, तो 4 लाख रुपए का 10% जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 40,000 का अमाउंट आपका होगा, 40,000 का। तो बताइए 40 और 60 मिलके कितने हो गए सर, 1 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 1 लाख का अमाउंट। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 5 लाख रुपए में एक तो हमने इंटरेस्ट दे दिया जी, सैलरी भी हमने पे करना है ए को बी को, लेकिन एज कैपिटल में ऐड नहीं करूंगा मैं, एज करंट में ऐड करूंगा। अब बताइए ए की सैलरी कितनी है सर, 20,000, यहाँ लिखिए आप 20,000 रुपए का इंटरेस्ट ए में हो गया, बी का इंटरेस्ट आपका यहाँ पे 10,000 के अंदर होगा, तो 20 और 10 मिलके टोटल इंटरेस्ट आपका यहाँ कितना बन गया सर, 30,000 का अमाउंट आपका। ठीक है, आज पता नहीं क्या हो गया है, आज तो आप खुद ही आगे आगे बताया जा रहे हो, मुझे तो किसी चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अरे हाँ, फिर कहता है कि जो बैलेंस प्रॉफिट होगा आपको 3:1 में डिवाइड करना है। आप मुझे बताओ ना 5 लाख रुपए में 1,30,000 का डिविजन हो गया तो प्रॉफिट कितना बच गया सर, 5 में 1,30 गया तो 3,70,000 रुपये, 3,70,000 आपका यहाँ पे प्रॉफिट बच गया बच्चे। मुझे बताओ ये जो बैलेंस प्रॉफिट है, ये बैलेंस प्रॉफिट हमने जो पिछली क्लास में ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर टू, जरा बताओ कहाँ ट्रांसफर किया था सर, आपने पिछली क्लास में ट्रांसफर किया था ए और बी के कैपिटल में। आज कैपिटल अकाउंट है ही नहीं, आज जितनी भी ट्रांसफरिंग करना है वो कहाँ ट्रांसफर करना है जी सर, करंट अकाउंट में। तो आप एक काम करो, यहाँ लिखो एज करंट अकाउंट, आप लिखिए यहाँ पे एज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, लिखो तो मैं सारी बातें समझाऊंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो, अभी तो हमने शुरू ही किया है। तो चलो बताओ 3,70,000 रुपये का आपका टोटल अमाउंट है जी, अगर मैं इसको 3 और 1 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो कितना हो गया, 2,77,500 रुपीज का अमाउंट आपका ए में चला गया। और जरा बताओ फिर बी में कितना हो जाएगा बच्चे, तो ये आ गया 92,500 रुपीज का अमाउंट आपका, 92,500। तो इस तरीके से आपने क्या किया, काम पूरा किया आपका, खत्म हो गया बात आपका। जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो फिक्स कैपिटल मेथड में आप जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया करते थे उसमें जहां जहां आपने कैपिटल अकाउंट लिखा था वहां पे क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। आपको इसका अंदाजा तो मिल ही गया होगा कि पहले पिछली क्लास में जिन चीजों को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड किया था, यहां पे कैपिटल के बजाय करंट अकाउंट में ऐड किया जाएगा, करंट अकाउंट में। इसका मीनिंग और क्लियरिफाई करता हूं, आप पहले यहां तो कॉपी कर लो, यहां तो कॉपी कर लो सर, हो गया कॉपी सर, हो गया ठीक है, फिर भी कॉपी कर लो 2 मिनट के लिए बचे, आप कॉपी कर लो प्रॉपर तरीके से, कोई नया चीज नहीं करा रहा। अच्छा आइए अब मैं आता हूँ फिक्स कैपिटल मेथड। मैंने कहा था बच्चे हमने फिक्स कैपिटल मेथड की स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चन ने भी कहा कि फिक्स कैपिटल मेथड बताओ कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा आपका। आप देखो जरा मैंने फॉर्मेट आपको लिखाया था अभी अभी जो क्लास शुरू करने के टाइम पे आपका, कि जो फिक्स कैपिटल मेथड है, इस फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में आप 2 अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं करंट अकाउंट। कहा था ना बच्चे, अरे कहा था ना, हाँ जी सर कहा था आपने। तो जो आपने 2 अकाउंट बनाने को हमने बोला था, आप याद कीजिए, हमने कहा था इसमें 2 अकाउंट बनता है, एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक आप बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट आपका, ये आप बनाते हैं। तो चलो मैं आपको ये दोनों बनाना सिखाता हूँ, मैं आपको अब दोनों बनाना सिखाता हूँ। पहले आप मेरे साथ लिखिए यहाँ पे बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे मेरे साथ जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बचे आपका।
तो आइए जरा मुझे बताओगे कितने पार्टनर्स हैं? सर हाँ, कितने पार्टनर्स हैं? सर दो पार्टनर्स हैं। जरा बताओ कितने कॉलम बनेंगे? सर तीन बनेंगे। नहीं बच्चे, छह बनाने होंगे, तीन इस साइड में और तीन इस साइड में। कैसी बात करते हो आप? अरे दो कॉलम बनेंगे पार्टनर्स के, एक बनेगा आपका पर्टिकुलर्स का। तो तीन कॉलम यहाँ हो गया, तीन कॉलम वहाँ भी तो हो गया, दोनों साइड मिलकर छह कॉलम हो गए। आज क्या हो गया, आप सिर्फ गलत ही जवाब दे रहे हैं। तो ए और बी, और यहाँ भी हमने क्या लिखा जी, पार्टनर्स, सॉरी पर्टिकुलर्स आपका, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के अंदर में आपका यहाँ लिखा है ए और यहाँ बी का नाम आपका, और ये छोटा सा बनेगा बच्चे, छोटा सा। पता क्या होगा, जरा देखो हमने क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, जरा आप इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि कैपिटल ए का स्टार्टिंग में कितना था? सर 6 लाख। बी का कितना था? 4 लाख। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कैपिटल जो होगा वो कैपिटल अकाउंट के किस साइड में जाएगा, किस साइड में? सर कहा तो था आपने पिछली क्लास में, क्रेडिट साइड में जाएगा। याद कैसे रखेंगे जी? तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जितने भी नाम होते हैं उन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए उनका क्या होगा जी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। लिखे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, आपने लिखा बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे। आप बताओ ए का कैपिटल कितना है? सर 6 लाख रुपए, यहाँ लिखा आपने 6 लाख रुपए। जरा बताओ बी का कैपिटल कितना है? तो 4 लाख रुपए, आपने यहाँ लिखा 4 लाख रुपए का अमाउंट आपका है ना। ये हो गया बच्चे कैपिटल अकाउंट, बस खत्म हो गई बात। कैपिटल अकाउंट में अब दूसरा कोई भी एंट्री नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं। जो कैपिटल अकाउंट आपका ए और बी का आपका हो गया 6 लाख 4 लाख, ओपनिंग में जो कैपिटल था वही कैपिटल आपका यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस के रूप में आपका, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल। जरा बताओ ए का कितना है? सर 6 लाख रुपए। आप बताओ बी का कितना है? 4 लाख रुपए। खत्म होगी बात बच्चे, खत्म होगी बात। कैपिटल अकाउंट में कोई भी आप एंट्री नहीं करेंगे, कोई भी एंट्री नहीं। नाम क्या था? फिक्स कैपिटल मेथड, देख रहे हैं आप, फिक्स कैपिटल। मेरे बच्चे इस मेथड के अंदर में आपका जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जितना आपका ओपनिंग कैपिटल था वही आपका क्लोजिंग कैपिटल रहेगा। सर इसका मतलब क्या? मतलब शायद आप समझ गए होंगे कि अब इसके बाद दूसरा अकाउंट जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं यहाँ पे बनाऊंगा जी पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पता मैं क्या करूंगा बच्चे, कैपिटल को छोड़ के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपका, वो सारे ट्रांजेक्शन्स मैं क्या करूंगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, करंट अकाउंट में। आप मुझे बताओ करंट अकाउंट कितने पार्टनर का बनेगा? सर जितने पार्टनर हैं, पार्टनर दो ही हैं जी। तो आपने क्या किया, ए बी, और यहाँ भी लिखा आपने ए और बी, और यहाँ क्या बोला जी आपने, अगेन पर्टिकुलर्स, लेजर अकाउंट है ना बच्चे, उसी तरीके से बनेगा जी। यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स और यहाँ भी क्या लिखा हमने आपका, पर्टिकुलर्स। तो हमने क्या किया, इसको शुरू किया यहाँ पर बनाना आपका। अब देखो मैं क्या करूँगा, आप अच्छे बच्चे, आपको पता है ये भी कैपिटल अकाउंट ही है ना बच्चे। अरे करंट अकाउंट भी कैपिटल का ही तो पार्ट होता है, तो इस अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में आपका, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी आपका, इसका भी ओपनिंग बैलेंस यहीं पे आएगा। तो जरा बताओ कि आपके करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमने कहीं कुछ बताया आपको? नहीं सर, आपने जो बैलेंस लिखा था वो किसका लिखा था, कैपिटल का, यानी कि हमने इसका बैलेंस लिखा था बच्चे, कैपिटल अकाउंट का। हमने आपको करंट अकाउंट का इस क्वेश्चन में बैलेंस बताया ही नहीं है। तो अगर जरा बताओ कि अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे नहीं है, तो मुझे बताइए कि इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कितना रिकॉर्ड करूंगा? आप बोलते क्यों नहीं, तो सर नील अमाउंट होगा यार, नील ही तो होगा, कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ। अरे जिसका ओपनिंग बैलेंस होगा उसी का तो ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा, करंट अकाउंट का क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस बता ही नहीं रहा है। अगर क्वेश्चन आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं बताएगा तो फिर क्या करूंगा, उसको नील कर दूंगा। यहाँ पे नहीं है, होगा तो देखेंगे सर, होगा तो फिर क्या करेंगे। आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, अगला क्वेश्चन में कराऊंगा उसके अंदर में। फिलहाल क्या देख रहे हैं जी, करंट अकाउंट आपका नील है। अच्छा, इस अकाउंट का भी बढ़ना आप क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे बच्चे। हर एक चीज जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, उनका बढ़ना हम क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे आपका, और घटना क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में भी कहा था, और चिंता ना करो जब तक हम और आप साथ रहेंगे इस बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपके दिमाग के हर एक कोने में बात बैठा दूंगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं सिंपल तरीके से आपका। हमें जनरल एंट्री पास नहीं करना, फटाफट अकाउंट बनाना आपका, फटाफट अकाउंट, चलो काम खत्म हुआ। अब देखो जी फिर क्या हुआ, ये देखो आप कहता है कि ड्रॉइंग्स हुआ है, आपने ड्रॉइंग्स किया है। आप मुझे बताओ ड्रॉइंग्स कहाँ लिखूँ मैं, कैपिटल में कि करंट अकाउंट में? तो सर करंट अकाउंट में, कहा ना
कि कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, जो इनका ओपनिंग कैपिटल है वही आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा हमेशा, कोई चेंज नहीं यहाँ पे, कोई चेंज नहीं। तो ठीक है, चला बताओ फिर ड्रॉइंग्स पार्टनर ने किया ना बच्चे? सर हाँ जी सर, पार्टनर ने किया है। तो बताओ ड्रॉइंग्स फिर कहाँ रिकॉर्ड करूँ? तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, जितनी चीजें पार्टनर्स करेंगे पूरे साल में सब आपका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड आपका होगा, करंट अकाउंट में। तो देखो ना, ए का ड्रॉइंग्स 1 लाख, बी का कहता है कि 60,000 रुपये, हमें क्या करना जी जरा बताओ, इससे कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा। आप यहाँ लिखिए, आप बोलेंगे टू ड्रॉइंग्स, आप यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी कह सकते हैं। और जरा बताओ पिछली क्लास में बताया था एक और नाम, वो क्या लिख सकते हैं आप? सर हाँ याद आया, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि ड्रॉइंग्स या बैंक कोई भी नाम लिख सकते हैं। ए का ड्रॉइंग्स कितना है जी? 1 लाख रुपये का अमाउंट, तो 1 लाख की ड्रॉइंग्स ए की होगी। बी का ड्रॉइंग्स कितना है? 60,000, तो आपने क्या किया, बी का ड्रॉइंग्स दिखाया 60,000 रुपये का अमाउंट। ये भी काम खत्म हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। लिख लो बच्चे यहाँ तक, लिख लो फटाफट यहाँ पर जल्दी से लिख लो फटाफट। सर लिख लिया, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो साल का एंड आ गया, साल के एंड में आपने इस 5 लाख रुपये के प्रॉफिट को पार्टनर्स बीच में डिवाइड किया था। आपने क्या किया, इसका डिविजन करने के लिए आपने क्या बनाया था? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना बच्चे? तो हमें क्या करना कि हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी कुछ पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ऐड करना, ऐड करो। पिछली क्लास में हमने कैपिटल अकाउंट में ही ऐड किया था, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करंट अकाउंट में ऐड होगा। तो आपने क्या कहा जी, यहाँ देखो आप, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट बीज करंट अकाउंट। तो आप करंट अकाउंट में क्या बोलेंगे? आपने बोलना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके अंदर लिखिए जी क्या क्या निकल के आएगा। हाँ, एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक आपने लिखा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका। आप जरा बताओ ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? तो कहता है कि ए का 60,000, यहाँ लिखा आपने 60,000 का अमाउंट आपका। और बी का इंटरेस्ट कितना है जी? 40,000, तो आपने बी का इंटरेस्ट यहाँ लिखा 40,000 का अमाउंट आपका, ए एंड बी का निकल के आया। अच्छा, फिर हमें यहाँ देखो सैलरी भी दिया था ए एंड बी को। तो ए बी में हमने क्या बोला जी, अगर यहाँ बोला था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू ए बी, तो ए बी में क्या बोलेंगे बताइए? सर बाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसी के अंदर में आप दिखाइए कि आप सैलरी देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सैलरी आप देखो ए का कितना हो गया सर? 20,000, 20,000 रुपये का अमाउंट आपका। और बी की सैलरी कितनी हो गई? ये कहता है कि आपका 10,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे, 10,000 का अमाउंट, ये भी ठीक है। फिर क्या देना था जी? प्रॉफिट में हमें इनको हिस्सा देना था बच्चे। तो आप यहाँ लिखो ना कि आपने कहा कि भैया हमने आपको दिया है शेयर इन प्रॉफिट। जितनी चीज़ें पार्टनर से लेने देने की होंगी वो सारी बातें यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएंगी, ना कि आपके कैपिटल अकाउंट में। तो एक बार चेक करते जी, प्रॉफिट का शेयर कितना हो गया? एक हिस्से में 277,500, यहाँ लिखा आपने जी 2,77,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। और बी के हिस्से में हो गया 92,500, तो आपने यहाँ लिखा है जी 92,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका, ये भी काम खत्म हो गया। कहीं मैं फास्ट तो नहीं चल रहा? नहीं सर, कोई बात यहाँ पे बड़ी है ही नहीं जो फास्ट चलने की है। ये तो ठीक है, जो पहले कैपिटल अकाउंट में लिखा करते थे अब हम करंट अकाउंट में लिखा करेंगे, खत्म होगी बात, खत्म होगी बात। अब एक काम करो जी, आप इसका पता कर लो बैलेंस कितना आपका। आइए चेक करते हैं कि आखिर करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा कितना है, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो आप जरा चेक करते हैं जी क्या निकल के आ रहा है, हमें समझना है, हमें रटना नहीं। ये देखो आप, हमने कहा कि ए करंट अकाउंट में पहले से आपका कोई बैलेंस नहीं था। आपने क्या किया, 60,000 का आपको इंटरेस्ट मिला है जी, प्लस आपको 20,000 की सैलरी भी हमने आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जो आपको आपको मिलना है, और प्लस आपने 2,77,500 रुपीज़ प्रॉफिट का भी ऐड कर दिया। तो टोटल आपका जो अमाउंट इस साल ऐड किया गया है वो 3,57,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका है। लेकिन 357,500 में से आप 1 लाख तो विड्रॉ कर चुके हो। आप बताओ 3,57,500 रुपीज़ में से अगर 1 लाख की ड्रॉइंग्स हो चुका है तो फिर इस अकाउंट का टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? सर ये तो आपका हो जाएगा 2,57,500 रुपीज़ का अमाउंट। मेरे बच्चे ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। बैलेंसिंग फिगर का मतलब कि इनको जब हमने प्लस किया, इसको माइनस किया, तो बैलेंसिंग आपका इतना निकल के आ गया। ठीक है, बी का चेक करता हूँ। पहले से करंट अकाउंट कुछ था नहीं, 40,000 रुपये आपका यहाँ पे आ गया जी, प्लस 10,000 रुपये और आपको मिल गए,
प्लस 92,500 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया, टोटल हो गया जी 1,42,500, 142,500 रुपीज कम आउट आपका। आप देखो ना 142,500 में 60,000 आप विड्रॉ कर चुके हो, तो चलो बताओ इसमें से अगर 60,000 विड्रॉ हो चुका तो फिर कितना बच गया आपका। आप देखो 1,42,500 रुपए का जो अमाउंट है 142,500, अगर 60 विड्रॉ हो चुका तो 82,500 रुपीज का अमाउंट यहां बच गया, टू बैलेंस सीडी आपका खत्म होगी बात। अरे यही निकल के आया ना, हाँ जी सर यही निकल के आया, तो ये काम खत्म हो गया, यही तो है फिक्स कैपिटल मेथड आपका। आप बताओ कौन सी बड़ी बात है यार, आज क्यों फालतू में क्लास कर रहे हैं, क्यों इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, ये तो आप ऐसे ही समझ जाते, आप अगर बुक देखते तो खुद समझ में आ जाता कि यार जो कैपिटल की बात है ओपनिंग कैपिटल वही आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। इस कैपिटल अकाउंट को करंट अकाउंट में हम लेकर नहीं आएंगे, वो चला गया कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट को छोड़ के पार्टनर्स की जितनी सारी बातें हैं वो सब कहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी आपका, करंट अकाउंट के अंदर में आपका। तो हमने करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, जो दिया हमने उसमें ऐड किया, जो निकाला माइनस किया क्लोजिंग निकल के आ गया। अगले साल मैं बात कर रहा हूँ अगले साल का, अगले साल जरा देखो ये जो आपका इनका क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल क्या बन जाएगा इनका ओपनिंग बैलेंस। अरे यही होगा ना, जो आपका यहाँ पे इस साल क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो अगले साल का जब करंट अकाउंट बनाऊंगा तो ये आपका क्या जाएगा बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे यही काम होगा ना जी। हाँ जी सर कैपिटल अकाउंट तो आपका फिक्स रहेगा, कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग रहेगा बच्चे हमेशा। और फिर आपका ये सर एक बात बताओ, आप बार बार कह रहे हो क्या हमेशा, क्या सच्ची में कैपिटल अकाउंट हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग बराबर रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा कसम खा लूं मैं, नहीं बच्चे कभी कभी चेंज होता है। ये जो कैपिटल अकाउंट आपका जो है ना ये कभी कभी चेंज होता है, माफ कर दो हमेशा नहीं कहूंगा, आज आगे से कहना बंद कर दूंगा मैं। मैंने कहा कि ऐसे तो आप इतना समझ लो कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ये तो बात ठीक है ना। हाँ जी जो बातें आपने पार्टनर्स करंट में लिखी मतलब जितनी सारी बातें सभी कहाँ जाएंगी करंट अकाउंट में, तो फिर सर कैपिटल अकाउंट क्या हमेशा सेम रहेगा, नहीं बचे कुछ ऐसे चांसेज हैं जहाँ पे चेंज हो सकते हैं, कुछ चांसेज की बात कर रहा हूँ, कुछ चांसेज की सर फिर बता दो ना वो चांसेज कौन से हैं। चलो फिर मैं पहले आपको समझा देता हूँ और आप मेरे साथ एग्री कर लेना, फिर उसके बाद क्या करूँगा दो तीन क्वेश्चन करा दूंगा और फिर आप बोलना कि हाँ सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, अब तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका। आज मैं जब आ रहा था बच्चे बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था कि वो बारिश जो हो रही है वो आपके अंदर की शक्ति थी जो बता रही कि मुझे सब कुछ अब आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम चलेगा, मैं इसको मिटाता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ, कुछ लिखूंगा मैं यहाँ पे आपके लिए, तो आप इसको मिटाइए पहले, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। मैं इसको मिटाता हूँ जी, और मैं अभी इसको आपके सामने रखता हूँ। मैंने कहा कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये जो ओपनिंग होगा वही क्लोजिंग होगा, आप देख रहे हैं ना बच्चे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बराबर आपका, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जिन सिचुएशन में आपका ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल सेम नहीं होता, वेरी कर जाता है, एक्सेप्शनली कुछ कंडीशन है बच्चे, वो क्या है तो लिखिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। मैं अब इसको मिटा दूँ अगर आप बुरा ना माने तो, हाँ सर मिटा दो ये मैंने लिख लिया था आपका, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आखिर कौन से ऐसे नाम हैं जो कि आपका आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। एक काम करता हूँ, ठहर जाओ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों अंदर से फील हो रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, थोड़ा स्लो। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा सिंपल सा, फिर वो नोट लिखाऊंगा, फिर उस नोट के ऊपर में क्या करेंगे एक और क्वेश्चन कर लेंगे, तब तो टेंशन फ्री हो जाएगा ना सर। हाँ जी तब ठीक है सर, आप ना बहुत फास्ट ना चलो, हम छोटे बच्चे, मुझे पता बच्चे मैंने भी 12th क्लास पास किया है, मैं भी छोटा बच्चा था उस टाइम पे। आई जरा मैं बताऊँ कैसे काम चलेगा, आप एक काम करो यहाँ लिखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, अगेन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को इस पर टफ करूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे नंबर टू। और हाँ किसके अंदर जी, मैं बात कर रहा हूँ फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में आपका, फ्लक्चुएटिंग जो था वो हमने पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कशन कर लिया था बच्चे कि सब कुछ कैपिटल अकाउंट में जाएगा, आज तो फिक्स की बारी है। आइए जरा, मुझे डर लग रहा कहीं आप इसमें फंस ना जाओ, कहीं टेंशन ना हो जाए, मतलब कहीं आप भूल ना जाओ इन बातों को। आप इसके लिए काम करना
कि पूरा ध्यान आपका यहाँ पे केंद्रित होगा। आप भूल जाओ दुनिया में कोई टेंशन आपके पास है, बस आप हो और मैं हूँ और यहाँ देखेंगे काम आप। 1 जनवरी 2016 सॉरी गला थोड़ा फंस गया, कहता है कि यहाँ पे आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है बच्चे, कैपिटल अकाउंट, ये कह रहा है जी ए का और बी का, सर हमेशा ए बी होगा। चलो कोई बात है, झगड़ा क्या करना, चेंज कर लो नाम, एक्शन वाई कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। मान लो ए का जो कैपिटल है वो कहता है कि 3 लाख रुपीज का अमाउंट है बच्चे, और बी का जो कैपिटल है वो कहता है कि 2 लाख का अमाउंट आपका। ऐसे दिमाग से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ये कह रहा है कैपिटल अकाउंट के बारे में। फिर मैं यहां दिखाता हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये लो पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में शुरू हो गया बताना। ओपनिंग बैलेंस कहता कि एक्स का जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसका ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 रुपए का अमाउंट आपका है, और वाई का कहता है जी ओपनिंग बैलेंस मान लो यहां पे कहता है कि 80,000 का अमाउंट है। आपको चिंता नहीं करना, ये हमेशा आपको बताएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट का हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 1 जनवरी को, ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखेगा, डेबिट में कि क्रेडिट में। सर कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो ठीक है लिख लो फिर बच्चे, यहाँ पे लिख लो कि ये आपको क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। सर क्यों लिख रहे हो ऐसे ही बच्चे, मन कर रहा है, मुझे पता है कि आप जानते हो, फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा स्लो हो जाओ। आपने ही तो कहा था कि सर बहुत फास्ट चल रहे हो, थोड़ा स्लो हो जाओ, तो स्लो हो जा रहा हूँ और कोई टेंशन की बात नहीं यहाँ पे। तो 1 जनवरी को पार्टनर्स कैपिटल का यानी कि एक्स वाई का बैलेंस हमने यहाँ पर लिखा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा जी आपने एक्स वाई का यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस बची, ये देखो मैंने लिखा 1 तारीख को। फिर कहता है कि आपका यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर, ये कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया है जी, कहता है कि ड्रॉइंग्स किया है बच्चे, ड्रॉइंग्स किया है, और ड्रॉइंग्स कहता है कि एक्स का और वाई का, एक्स का मैं यहाँ किनारे हो जाता हूँ, यहाँ किनारे हो जाता हूँ, ड्यूरिंग द ईयर कहता है ड्रॉइंग्स हुआ, एक्स का कहता है मान लो 50,000 का ड्रॉइंग्स आपका है, और वाई का मान लो कहता है कि 30,000 का आपका ड्रॉइंग्स है। एक्स का कहता है कि 50 और वाई का कहता है 30,000। ठीक है सर आगे बढ़ो। फिर कहता है कि साल के एंड में यानी कि 31 दिसंबर आपका 2016 यहाँ कहता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है, आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट मान लो कमाया है 6 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 6 लाख का प्रॉफिट बच्चे। कहता है कि ये प्रॉफिट जो हमें डिवाइड करना है वो पार्टनरशिप डिड जो है डिड के मुताबिक कहता है जी पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है वो कहता है आपका एट द रेट ऑफ आपका 10% पर एनम आपका। देख रहे हैं आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। कैपिटल की बात कर रहा है, याद रखना हमेशा कसम खा लो कैपिटल का मतलब ये कैपिटल अकाउंट होता है, ये कैपिटल है बच्चे, कैपिटल का मतलब कभी करंट नहीं होगा। यानी कि जब भी कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हमेशा कैपिटल के बैलेंस में देना है, ना कि करंट अकाउंट के बैलेंस पे। सर करंट अकाउंट में कभी नहीं देंगे, देंगे बच्चे जब क्वेश्चन साफ सब अक्षरों में कह देगा कि करंट अकाउंट पर भी आपको देना है। अगर क्वेश्चन करंट अकाउंट के बारे में नहीं कहता तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर ही देना है, आपको आज कसम खाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे जी, आपका ये काम हो गया। फिर कहता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चलो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कहता है कि चार्ज किया जाएगा, और ये कहता है मान लो जी एट द रेट ऑफ 5% आपका। ध्यान देना मैंने यहाँ पे 5% पर एनम नहीं लिखा बच्चे, 5% लिखा। सर एक बात समझ में नहीं आती, जब से हमारा 12th क्लास शुरू हुआ है, जब से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करते हो तो आप कभी भी यहाँ पर एनम क्यों नहीं लिखते, बताऊंगा बच्चे, यही हमारा अगला टॉपिक होगा। अगले टॉपिक हम इसी के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, आप चिंता ना करो। फिलहाल तो समझ लेना कि 5% है, 5% मतलब कि फ्लैट चार्ज करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, कब ड्रॉइंग्स किया कब ड्रॉइंग्स नहीं किया कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको पूरे साल का 5% चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है सर आगे बढ़ो। आप कहता है कि सैलरी है, सैलरी ये कहता है कि आपका एक्स का है जी यहाँ पे कहता है मान लो ₹40,000 का अमाउंट, वाई का छोड़ दिया इस बार हमने, और फिर कहता है कि इसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा, जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा। अच्छा एक काम और क्यों ना कर लूँ मैं, एक काम और, एक पॉइंट में और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आपको थोड़ा और मज़ा आएगा। कहता है कि जनरल रिजर्व में आइए, ये भी मजा ले रहे हम, हर एक मजा लेंगे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर में। रिजर्व में कहता है कि आपने क्या करना है कि 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र करना है,
यानी कि ये 1 लाख रुपए वो है जो प्रॉफिट का है, बट आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे पार्टनर्स के बीच में, वो पैसा फर्म के अंदर ही होगा, फर्म के एक्सपेंशन पे खर्च किया जाएगा। वो कहते हैं बच्चे रिजर्व आपका 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, और फिर कहता है कि जो बैलेंस प्रॉफिट आपका बच जाएगा, जो बैलेंस प्रॉफिट आपका बच जाएगा वो प्रॉफिट कहता है जी आपने क्या करना है कि पार्टनर्स के बीच में मान लो इक्वली डिवाइड कर देना है। चलो इक्वली डिवाइड करना है, आपको क्वेश्चन पक्का बताएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो आपको नहीं बताता तो हम क्या मानते हैं आपका इक्वली, क्योंकि हमने कहा था कि पार्टनरशिप डीड ना हो तो इक्वली मानेंगे। ठीक है, आइए जरा मैं स्टार्ट करता हूं। बोलता है कि यहां पे प्रिपेयर, लिखेंगे क्वेश्चन मेरे साथ यहां पे प्रिपेयर। एक तो कहता है जी सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, कहता है कि एंड आप बनाओ यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कहता है कि पार्टनर्स आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, एंड करंट अकाउंट, एंड करंट अकाउंट, ये हो गया आपका। तो देखो हमें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों बनाना है जी, यहां पे बनाना ना बच्चे। हाँ जी सर, पता है अगर सिर्फ कहता ना कि बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहां देख के अगर आपको लगता है कि कैपिटल भी है करंट भी है तो फिर हम दोनों बनाएंगे, दोनों बनेगा बच्चे। चाहे वो कुछ भी कहे, वो कह सकता था कि भैया बनाओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, सिर्फ इतना बोल दे। तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपको पता ना कि दो अकाउंट बनते हैं कैपिटल करंट आपका, दोनों बनाना पड़ेगा। आप समझना एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलतियां कर जाए, तो आपको प्रॉपर तरीके से मेरी बात समझनी है। रिपीट करता हूं दोबारा, अगर कहता है कि आप बनाओ कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, तो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक कैपिटल दूसरा करंट, यानी कि दोनों आपको बनाना है। अगर एग्जाम में नाम ही कह देगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है जी, तब तो दोनों बनाएंगे ही बनाएंगे आपका, ये कौन सी बड़ी बात है। आओ जरा शुरू करता हूँ मैं, पहले यहाँ पे आपके साथ सोल्यूशन में आ जाऊँ, और पहले मैं बनाऊँ आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस पर आप आगे आगे चलेंगे, आप आगे चलेंगे मैं पीछे चलूंगा, मतलब आपको मुझसे पहले इसको कंप्लीट करना बच्चे, मुझसे पहले कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ कि आप पहले करते हैं कि मैं पहले करता हूँ। आओ जरा स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे आपका, मुझे बताइए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट आपका। तो सर प्रॉफिट हमने कमाया 6 लाख रुपए, लिखो यहाँ पे 6 लाख रुपीज का आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। कहता है कि 6 लाख के प्रॉफिट में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एग्रीमेंट में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लिखिए आप यहाँ पे, आप बोलेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप बोलेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे कोई बताएगा कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा किसको दिया जाएगा, सर पार्टनर्स को। अच्छा मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट मिलेगा वो करंट में मिलेगा कि कैपिटल पे मिलेगा, सर सिर्फ कैपिटल पे, करंट अकाउंट पे तभी जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज हमेशा इंटरेस्ट का देना कैपिटल अकाउंट पे ऊपर होता है बच्चे आपका। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा जी 10% इंटरेस्ट पे करूंगा 3 लाख रुपए के ऊपर में, कितना हो जाएगा 30,000 मानता हूं, इंटरेस्ट निकालूंगा कैपिटल पे, लेकिन जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो ट्रांसफर कहां करूंगा, वो किस अकाउंट में ऐड करूंगा, सर वो तो करंट अकाउंट में ऐड होगा, करंट अकाउंट में अभी तो बताया था। तो आप एक काम करना, आपने 10% 3 लाख का यानी कि 30,000 रुपये निकाला, वो 30,000 रुपये आपने क्या करना है जी, वो इंटरेस्ट एक्स के करंट अकाउंट में जाके ऐड करना है। इंटरेस्ट ऐसे तो निकालूंगा कैपिटल पे, बट ऐड कहाँ करूंगा, कौन से अकाउंट में ऐड करूंगा, तो करंट अकाउंट में। तो 3 लाख का 10% कम्स टू आपका 30,000 का अमाउंट निकल के आ गया। उसी तरीके से वाई के कैपिटल पे 10% के हिसाब से जो 20,000 का इंटरेस्ट बनेगा वो आपने क्या करना है, वाई के करंट अकाउंट में जाके ऐड करना है। आप समझिए मेरी बात ना सर। हाँ जी निकालना तो इसको ऊपर है जी, लेकिन अमाउंट हम ऐड कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, हम कैपिटल में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो जरा बताओ 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000 आपका, 20,000 ये टोटल मिलकर कितना हो गया 50,000। सर एक बात बताओ, क्या करंट अकाउंट में ना निकालू, नहीं निकालना, करंट अकाउंट के बैलेंस में कभी भी इंटरेस्ट का लेन देन नहीं होता बच्चे, सर कभी नहीं करेंगे। हाँ तभी करना जब क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कह देगा कि करंट अकाउंट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना है, तब तो करूंगा, अदरवाइज कभी नहीं करेगा बच्चे, कभी नहीं करना आपने। आपको क्या करना, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना बस आपका। ठीक है सर, ठीक है अब गलती नहीं करूंगा, आगे बताओ। तो पहला हो चुका, दूसरा ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो फर्म पार्टनर से लेती है ना बच्चे, सर हाँ
तो लेके तो फिर क्या करूंगा, इस साइड लिखे आप यहां पे, आपने बोला यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका, मैं लिखता हूं यहां पे जी, ठीक से लिखूंगा थोड़ा सा, यहां पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, यानी कि आपका इनका ड्रॉइंग्स 50,000 रुपये का है, 5% के हिसाब से 2500 रुपये हो गया जी, इनका ड्रॉइंग्स 30,000 रुपये का है, 5% के हिसाब से 1500 रुपये हो गया। आप बताओ ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से जो चार्ज करोगे आप, पार्टनर से जो लोगे, वो कौन से अकाउंट से लोगे आप, कैपिटल अकाउंट से कि करंट अकाउंट से? करंट अकाउंट से बच्चे, मैंने कहा ना कि कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो आप यहाँ पे। तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यानी कि कुछ अगर निकालना भी है तो करंट अकाउंट से, यानी कि आप क्या करेंगे जी, एक्सेज यहाँ पे करंट अकाउंट हो जाएगा, एक्सेज करंट अकाउंट और यहाँ पे वाइज करंट अकाउंट। पिछली क्लास में जितना भी हमने कैपिटल अकाउंट लिखा था सब करंट अकाउंट हो जाएगा बस। तो बताओ 5% आपका 50,000 का कितना हो जाएगा सर? 2500 रुपये आपका, ठीक है। और 5% आपका 30,000 का कितना हो जाएगा सर? 1500 रुपीज का अमाउंट आपका। तो टोटल अमाउंट कम्स टू आपका कितना जी? 4000 का अमाउंट, 4000 ही हुआ ना बच्चे? हाँ जी सर, 4000 का अमाउंट निकल के आपका आया, ठीक है। एक काम हो गया, दूसरा नाउ सैलरी हमें पे करना है, लिखिए आप यहाँ पे टू सैलरी, टू सैलरी। आप मुझे बताओ ये सैलरी किसको पे करूंगा सर? एक्स को। आप मुझे बताओ एक्स के कैपिटल में ऐड करूंगी करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट में जितनी चीजें हैं सब करंट अकाउंट में जाएंगी बच्चे। कितना बता रहा जी? 40,000 का अमाउंट आप लिखो यहाँ पे, 40,000 की सैलरी है जी जो हम इनको पे करेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद रिजर्व में कहता है कि 1,00,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, यानी कि रिजर्व में हमने क्या करना है कि 1,00,000 रुपये ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट 1,00,000 रुपये हमने किसी को देना नहीं है, कोई भी पार्टनर इसको नहीं लेगा, ये पैसा बिजनेस में ही रहेगा और बिजनेस के हम एक्सपेंशन पे खर्च करेंगे। इसके बाद कहता है कि जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया आप उसको इक्वली डिवाइड करो। तो चलो मुझे बताओ यहाँ पर लिखा हमने जी टू बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट कह सकते हैं आप, आपकी मर्जी। ट्रांसफर टू TRF यानी कि ट्रांसफर टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ किसको जी? तो ट्रांसफर किया गया आपका एक्सेज करंट अकाउंट में, कहा ना सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, सब कुछ हम करंट अकाउंट से निकालेंगे आपका, जो भी लेन देन करना सब कुछ आपका इक्वली कहता है। आप मुझे बताओ कितना वो प्रॉफिट है जो हमें डिवाइड करना है इनके बीच में? तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, आप खुद देख लो ना, हमसे बार बार क्यों पूछते हो? चलो कोई बात नहीं, फिर मैं खुद कर लेता हूँ, आपसे नहीं पूछता। 6,00,000 का प्रॉफिट और 4,000 रुपये, ये टोटल हो गया जी 6,04,000 रुपये। कंपनी के पास प्रॉफिट जो है वो 6,04,000 रुपये का है, इनमें से 50, 40 and 1 यानी कि 1,90,000 रुपये हटा दो तो मेरे बच्चे 4,14,000 रुपये, 4,14,000 का प्रॉफिट बच गया, जिस प्रॉफिट को हमें क्या करना, पार्टनर्स बीच में डिवाइड करना है। आप बताओ ना रेशियो क्या बता रहा है? सर रेशियो इक्वली है, तो 2 से डिवाइड कर दो, दो पार्टनर है, यानी कि एक्स के हिस्से में आ गया 2,07,000 और वाई के हिस्से में भी आ गया जी 2,07,000 आपका, काम खत्म हो गया, काम खत्म। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को कंप्लीट किया आपका। आप मुझे बताओ कहाँ कोई टेंशन है यार, कहाँ कोई टेंशन है? आपने क्या किया, ये प्रॉपर तरीके से हमने बनाया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ लो। सर कैसे पूछूं मैं, क्यों आप डाउट्स है ही कहाँ यार इसमें? मैंने कहाँ कुछ बोला, मैंने कहा कि जो कुछ भी पार्टनरशिप डीड के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैपिटल अकाउंट की जगह पे क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट के ऊपर हो जाएगा। एक छोटी सी बात मैंने और कह दी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी दिया जाएगा तो कैपिटल के बैलेंस पे देना, कैपिटल पे, करंट अकाउंट के बैलेंस में नहीं। करंट अकाउंट के बैलेंस पे तभी इंटरेस्ट देने लेने की बात उठेगी जब क्वेश्चन खुद कह देगा कि भैया करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट निकालो। सर वो कैसे बोलेगा आगे दिखाऊंगा, आप चिंता ना करो, वो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा। फिलहाल तो जो क्वेश्चन हम उसकी बात कर ले यहाँ पे आपका, ठीक है ना सर? हाँ जी समझ में आ गया। चलो सर फिर ठीक है, आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो सर, आप आगे बढ़ो। तो मैंने क्या किया, बना दिया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरा अगला काम क्या है, अगला काम क्या है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा मुझे बताओ मेथड कौन सा है फिक्स कैपिटल आपका, कोई मुझे बताएगा कि फिक्स कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं? सर दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। तो फिर बनाओ ना, फिर बोलते क्यों, शुरू करो आप यहाँ पे। आपने शुरू किया बनाना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुझे पता है आपको गुस्सा आ चुका है, आप मुझसे आगे बनाना शुरू कर चुके हैं और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने खत्म भी कर लिया कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कुछ दूसरा आएगा ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस खत्म हो गई बात है।
एक पार्टनर का नाम है जी आपका एक्स, दूसरे का नाम है वाई, एक्स और दूसरा आपका वाई। यहाँ पे आपका चला गया पार्टनर्स का पर्टिकुलर्स, आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ भी चला गया आपका पर्टिकुलर्स। आज तो कुछ होगा, आज तो आपके शरीर के अंदर से ऐसी आगे निकल के आएंगी जो जितने भी पास आपके लोग आएंगे ना सबको जला के खत्म कर देगी। वो आग, वो वाली आग नहीं बच्चे, मैं इस आग की बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स की आग की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स जो आपके अंदर घुस चुका है, इसमें इतनी आग है कि आप ही आगे रहोगे और दुनिया में बाकी लोग सब जल के खत्म हो जाएंगे। बहुत मजा आएगा जब पूरे दुनिया में सिर्फ आप रहेंगे और कोई भी नहीं। आओ जरा शुरू करता हूँ, आओ शुरू करता हूँ। आप मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट का बाई बैलेंस बीडी कितना है? सर वो कैपिटल एक्स का कहता है कि 3 लाख रुपए है। लिखो यहाँ पे आपका 3 लाख रुपए का अमाउंट, आपका 3 लाख। वाई के आगे कितना लिखूंगा जी? 2 लाख रुपए लिख दिया हमने यहाँ पे। आप मुझे बताओ कि कैपिटल अकाउंट में और कुछ आएगा? नहीं सर, कुछ नहीं आएगा। आप एक काम करो, फटाफट फिर इसे क्लोज कर दो जी, लिखो यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी। मेरे बच्चे फिक्स कैपिटल मेथड है ना, अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो जितना ओपनिंग कैपिटल होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। सर क्या ये हमेशा होगा? नहीं बच्चे, माफ कर दो, मैंने कहा था हमेशा फिर मैंने चेंज किया था, हमेशा नहीं होगा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जहां पे कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है। वो कौन से सर्कमस्टांसेज है अभी अभी बताऊंगा, आप चिंता ना करो, आज की क्लास में खत्म करेंगे उस टॉपिक को आपका। पहले तो मैं देखो ना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप मेरे साथ बनाइए यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप यहां बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट आप यहां बनाएंगे जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मुझे कोई बताओ कितने पार्टनर्स हैं? सर 2 पार्टनर्स हैं। कितने कॉलम बनेंगे? नहीं बताऊंगा सर, आप हमारे साथ गेम खेलते हो, 2 बोलता हूं तो 3 बोलते हो, 3 तो 6 बोलते हो, आप खुद कर लो जो करना है। ठीक है ठीक है, बट गुस्सा नहीं करते बच्चे। आइए जरा मैं लिखता हूं खुद फिर। यहां पे एक बना एक्स का अकाउंट, एक बना वाई का, एक एक्स का दूसरा वाई का आपका, तो मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहा हूँ। चलो मैं शुरू करता हूँ जी करंट अकाउंट के बारे में, आपका करंट अकाउंट के बारे में शुरू करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, देखो जरा मजा भी आपको आएगा। करंट अकाउंट मुझे बताओ पहले, इस बार करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? सर दिया हुआ है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहाँ लिखिए बाई बैलेंस बीडी, यानी कि पहले से ही करंट अकाउंट में 1,40,000 रुपये का बैलेंस चलता चलेगा आपका। 140 यहाँ से है जी, और यहाँ पे 80,000 आपका, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस इस पर बता रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नील था बच्चे, आपको याद होगा ये बात, लेकिन इस पर बैलेंस कहता है कि 140 और आपका 80,000 का अमाउंट आपका है। तो लिखा हमने 140 80,000 आपका हो गया जी ओपनिंग बैलेंस। अब तो कुछ करना ही नहीं है, आपने जितनी सारी बातें पूरे साल में हुई है सब कुछ यहाँ लिखो। आओ जरा चेक करते हैं क्या हुआ। समय आगे चला, चलते चलते कहता है जी यहाँ पे आपका ड्रॉइंग्स हुआ है। मुझे बताओ ड्रॉइंग्स होने से करंट अकाउंट आपका बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है? तो आप यहाँ लिखे जी 2 ड्रॉइंग्स, आप यहाँ लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स आपका। मुझे बताओ ड्रॉइंग्स लिखूँ या कुछ और भी लिख सकता हूँ? सर हाँ, बैंक भी लिख सकते हैं, ड्रॉइंग्स बैंक से ही तो हुआ होगा, बैंक या कैश आपका। सर एग्जाम में दोनों नाम लिखूंगा कि एक नाम लिखोगे? कोई भी एक नाम बचे, दो नाम क्यों लिखोगे? समय थोड़ा इतना है, दोनों में का मीनिंग सेम होता, कोई एक नाम लिखो। तो चलो बताओ एक्स की ड्रॉइंग्स कितनी है? सर 50,000 यहाँ लिखा। जरा बताओ वाई की ड्रॉइंग्स कितनी है? 30,000 आपने यहाँ लिखा। तो हमने क्या किया, एक्स एंड वाई का यहाँ पे काम पूरा किया आपने, एक्स वाई काम पूरा किया। ठीक है आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर देखो क्या निकल के आया जी, ड्रॉइंग्स हमारा हो चुका। अब हम साल के एंड में चले गए, तो प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन हुआ है वो सारी बातें आपने यहाँ पर लिखी हुई हैं। हमने क्या करना है, ये जो आपने एप्रोप्रिएशन किया है जी उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। आई जरा देखें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू एक्स करंट अकाउंट वाई करंट अकाउंट। तो आप करंट अकाउंट में क्या बोलेंगे यहाँ पे बताइए? तो आपने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके अंदर में फटाफट जो कुछ भी देना है दे दो आप। एक तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही लिखेंगे। बार बार प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखूंगा? एक बार ही लिखो और उसको अंडरलाइन कर लो और जितनी बातें उसके अंदर में दिखा दो। तो आपने इंटरेस्ट दिया जी इनको 30,000 का। ऐसे तो हमने दिया था कैपिटल के बैलेंस पे, लेकिन ऐड होगा करंट अकाउंट के बैलेंस में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता बच्चे, हम कैपिटल में कोई चेंज करते नहीं है। जो भी पार्टनर्स को लेन देन करना सब करंट अकाउंट में। सैलरी का अमाउंट था, लिखिए यहाँ पे आपका सैलरी। जरा बताओ सैलरी यहाँ पे कितना मिला एक्स को जी? 40,000 आपका एक्स को मिला बच्चे, यहाँ लिखे आप, यहाँ पे 40,000 का अमाउंट आपका हो गया। ठीक है,
फिर कहता है रिजर्व, जरा बताओ रिजर्व किसी को मिला, मिला किसी को? नहीं सर, ये तो फर्म ने अपने पास रख लिया, तो आप ये पार्टनर्स के कैपिटल में या करंट में ऐड नहीं करेंगे, ये तो रिजर्व बैलेंस शीट में चला जाएगा बच्चे, इसी नाम से जनरल रिजर्व लिखते हैं ना बैलेंस शीट में, याद करो बैलेंस शीट में आता है जनरल रिजर्व कितना जी आपका, जितना अमाउंट रहेगा तो वो वहाँ चला जाएगा, वो पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड नहीं करेंगे। अब जो प्रॉफिट का हिस्सा है, तो आपने लिखा यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट, आपने शेयर इन प्रॉफिट जो आपका है वो यहाँ पे ऐड कीजिए, जरा बताओ एक्स में कितना चला गया सर, 2,07,000। अच्छा मुझे बताओ वाई में कितना चला गया सर, 2,07,000। तो 2,07,000 रुपये, 2,07,000 रुपये हमने क्या किया दोनों में यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है जी, ये भी काम खत्म हो गया। और कुछ तो नहीं आएगा सर? हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी तो करना है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कहा बाय एक्स इज करंट अकाउंट वाई इज करंट अकाउंट, तो एक्स वाई के करंट अकाउंट में क्या बोलेंगे आप, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान रहे एंट्री इनके नाम से हो रहा बच्चे। और हाँ आप लिख दो ब्रैकेट में चाहो तो कि किस चीज की एंट्री है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देने की एंट्री हम लोग कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका। तो मुझे बताओ ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हो गया सर, एक्स पे आपका हो गया जी 2,500 का अमाउंट आपका, और वाई पे कहता है कि आपका 1,500 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका है, 1,500 का। काम पूरा हो चुका बच्चे, काम हमारा पूरा हो चुका। आओ जरा इसको खत्म करते हैं, देखते हैं कि आखिर हमारा अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या निकल के आया, अल्टीमेट मतलब कितना बैलेंस रह गया आपका करंट अकाउंट का, ये चेक करेंगे आप यहाँ पे, मेरे साथ चेक कीजिए फटाफट। देखो एक्स के करंट अकाउंट में पहले से ही 1,40,000 रुपये का बैलेंस था, 1,40,000 के बाद 30,000 रुपये, 40,000 रुपये एंड 2,07,000, यानी कि 2,77,000 हमने और ऐड कर देना है, 2,77,000 आपका, तो ये हो गया 4,17,000, ये हो गया 4,17,000 आपका। आप देखो ना 4,17,000 में से 50,000 आप ड्रॉइंग्स कर चुके, वो माइनस कर दिया अकाउंट में से, और 2,500 जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया गया जी ड्रॉइंग्स पे, वो भी माइनस कर दिया, तो आपके अकाउंट में यहाँ पे टू बैलेंस सीडी जो अमाउंट रह गया वो कितना रह गया आपका, 3,64,500 का अमाउंट, ये अमाउंट रह गया बच्चे, 3,64,500 का अमाउंट आपका, ठीक है। अब जरा आ जाओ देखते हैं कि वाई का कितना रहा, तो वाई का कैपिटल पहले से करंट अकाउंट का 80,000 का अमाउंट था, 20,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला जी, 2,07,000 का आपको प्रॉफिट मिला, तो टोटल अमाउंट बिकम इक्वल टू आपका 3,07,000। आउट ऑफ 3,07,000 वी हैव ऑलरेडी विड्रॉन 30,000, विल डिडक्ट इट, माइनस करना आपने, एंड 1,500 आपको माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो चार्ज किया गया, तो बैलेंस बिकम्स इक्वल टू 2,75,500 का अमाउंट आपका, खत्म होगी बात आपका 2,75,500 का अमाउंट जी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका ये निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर, और हमने काम पूरा किया बच्चे, आपका काम पूरा किया। प्लीज कॉपी करें आप इसको, कॉपी करें आप जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर देखता हूँ आगे क्या निकलता है। सर ये तो बड़ा अच्छा ही कॉन्सेप्ट है, 11वीं क्लास में सर उतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन 12th का अकाउंट से मज़ा आ रहा। हाँ बच्चे मैं आपको बता सकता हूँ, इवन 11वीं क्लास का जो अकाउंट था वो भी मज़ेदार था, लेकिन थोड़ा समझने का फिर था, थोड़ा समझना था हमें। खैर आइए यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये काम पूरा हो गया आपका, ठीक है ना। जब हम CA वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, CMA वाले बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे, तो उनको भी परेशानी होती, वो भी अकाउंट्स को ठीक से पढ़ के नहीं आए। 11th क्लास 12th क्लास में जितनी ज़्यादा बीमारी आपके अंदर होंगी उतना अकाउंट्स आपको टफ लगेगा आगे बढ़ते बढ़ते आपका, लेकिन अगर वो सारी बीमारी आपने 11th क्लास 12th क्लास में दूर कर ली तो फिर अकाउंट्स बहुत सिंपल है, सारी डिग्रियां सिंपल हो जाती। CA बनना, CMA बनना, CS बनना बच्चे का खेल होता है। CA का मतलब क्या होता है पता आपको ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका। CMA का मतलब क्या होता है जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और CS का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। ये तीन बड़ी डिग्री है, अगर हम कॉमर्स के अंदर आते हैं तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है जी, इन्हीं को ग्रैब करना बच्चे, इन्हीं के बाद हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, और लाइफ हमारा जो होता है वो तरीके से चलती है आपके। तो खैर चलिए मैं आगे आपको बताते रहूँगा सभी कोर्स के बारे में, थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करेंगे उसके बारे में, ताकि हमें कम से कम नॉलेज रहे जी, कोई बड़ा होने के बाद बेवकूफ ना बना दे आपका। तो खैर आइए इसके बारे में शुरू करते काम आपका, ये काम हो चुका हमारा, ठीक है ना। एक सवाल फिर से आप पूछ रहे हो कि सर छोड़ो ना CA की बात है, वो बात नहीं जानना चाहता,
आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने कहा था कि ओपनिंग कैपिटल और जो क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट, ये कभी कभी चेंज हो सकता है, आपने कहा था ये बात। तो चलो बताओ, वो कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जब हमारा कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है, अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करते हैं तो भी, क्योंकि मेथड का नाम क्या है जी, फिक्स कैपिटल। इसका मतलब क्या, कैपिटल आपका फिक्स होगा, फिर चेंज कैसे हो सकता है? आइए मैं बता रहा हूं बच्चे, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे चेंज हो सकता है। वो सिचुएशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैं अब इसको मिटाऊंगा और मैं आपके अंदर में एक और आग भरने की कोशिश करूंगा, एक और आग। इस आग के बाद तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है आज। आज तो आप ही रहोगे बस और कोई नहीं। सुनिए आप मेरी बात यहां पर ध्यान से, मैं शुरू करता हूं। लिखेंगे आप मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे यहां पे इंपॉर्टेंट नोट। आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट नंबर वन, कहता है कि राइट नेम ऑफ टू आइटम्स अपियरिंग इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। वो कहता है बताओ जरा कि आपके फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में क्रेडिट साइड में कौन कौन से नाम आएंगे। मैं कुछ कर रहा हूं अंडरलाइन बच्चे। एक तो कहता है कि क्रेडिट साइड में आपका कैपिटल अकाउंट का, और क्या बता रहा आपका फिक्स कैपिटल मेथड, ये बोल रहा ना। तो जरा देखो मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, आप ना लिखना, मैं उसको अलग से लिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बना रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको आपको लिखना नहीं बच्चे, इसको लिखना नहीं है, बस सुनना है, मैं इसको लिखाऊंगा तरीके से आपको। तो ये रहा आपका, यहां पे रहा जी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक आप क्या बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो कैपिटल अकाउंट है, यहां कहते हैं कि इनके क्रेडिट में अगर मान लो दो पार्टनर, तो यहां पे क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में कौन से नाम आएंगे। मेरे बच्चे क्रेडिट साइड में आने वाले दो नाम होते हैं, एक नाम तो आपको पता है, वो एक नाम क्या है जी, बाई बैलेंस बीडी। अभी आपने देखा दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, यहां पे दो क्वेश्चन किया। तो कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो तो यहां पे आएगा आपका, आएगा ना सर। हाँ, तो बिना किसी डाउट के मैं लिख दूं, पहले तो नंबर ए, एक तो आएगा जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो यहां चला जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ जी सर। अच्छा बताओ दूसरा नाम यहां पे क्या आएगा। वो कहता है कि क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड आपका होता है बच्चे, दिस इज क्रेडिट साइड आपका। तो एक नाम ये, दूसरा क्या आएगा, अब सुनो किसी को बोलना नहीं, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में होनी चाहिए। मेरे बच्चे जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, तो क्रेडिट साइड में आने वाले दो ही नाम होते हैं, दो, तीसरा दुनिया का कोई भी नाम नहीं होगा। एक तो होगा ओपनिंग बैलेंस, और एक होता है आपका नंबर बी, लिखिए एडिशनल कैपिटल आपने जो डाला होगा ड्यूरिंग द ईयर। ओहो सर, ये भी कैपिटल ही तो है। हाँ बच्चे, कैपिटल है तभी तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। अरे ओपनिंग कैपिटल होगा तो भी यहां पे जाएगा। अगर कोई पार्टनर्स ने कैपिटल ही दिया है, एडिशनल कैपिटल, घर से कुछ पैसा और बिजनेस में डाल दिया, तो क्या बोलेंगे उसको, एडिशनल कैपिटल। तो हमारा जो एडिशनल कैपिटल होता है ना बच्चे, एडिशनल कैपिटल, वो भी आपका किस साइड में जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में ही जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सर? हाँ, थोड़ा रुक रहा है सर ना। कहाँ रुक रहा है यार, क्यों रुक रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कौन से नाम आएंगे। दो नाम तो आएंगे, एक आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया, और जो कैपिटल को बढ़ाएगा कैपिटल के रूप में, यानी कि एडिशनल कैपिटल। मेरी बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, अब समझ में आ रही है सर। क्वेश्चन में कराओगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, आप चिंता ना करो। तो एक तो ओपनिंग कैपिटल आएगा वो लिखा जाएगा, और एक जो आपका एडिशनल कैपिटल होगा वो भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपका दो चीजें यहाँ पे आएंगी, दो चीजें सर, ठीक है। और कोई नाम आएगा, सवाल ही नहीं बनता। भगवान भी अगर नीचे आ जाएंगे तो तीसरा नाम यहां पर नहीं आ सकता। दो के सिवाय कोई तीसरा ऐसा नाम नहीं होगा
जो कि आप यहां पर लिखेंगे बच्चे आपका। सर ठीक है, आगे बताओ, तो लिखो जरा नोट नंबर टू। अगर बोलता है कि राइट द नेम ऑफ टू आइटम्स अपियरिंग इन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपको मेरे साथ लिखना है, अगर आपको अच्छा बनना है तो मेरे साथ लिखना बच्चे। आप वीडियो पोस्ट करने का काम ना करें, बस आपको क्या करना है, साथ साथ लिखना है, तब ज्यादा मजा आएगा। तो राइट द नेम ऑफ टू आइटम्स अपीयरिंग इन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, कीजिए अंडरलाइन। एक तो डेबिट साइड में एक कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या बोला, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड आपका। तो मेथड तो फिक्स की बात कर रहा हूं, फिक्स कैपिटल में कहता है कि आपके करंट अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बताओ वो कौन कौन से दो नाम आएंगे। जरा बताओ कौन से दो नाम आएंगे, बताइए जरा आप मुझे, दो नाम कौन से आएंगे सर, कौन से नाम आएंगे बताओ जरा। अरे इतना सोचते क्यों यार, एक नाम तो ऑलरेडी पता आपको, आप पता नहीं कहां कहां खोए हो फालतू में, टाइम बर्बाद हो रहा है। अरे एक नाम तो ऑलरेडी पता है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा था आप लोगों ने, टू बैलेंस सीडी। अरे कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस यहां नहीं लिखा था हम लोगों ने, लिखा था सर लिखा था, आप गुस्सा ना करो, नहीं कर रहा गुस्सा बच्चे, मैं तो बता रहा हूं कि आपने कैपिटल अकाउंट जब बनाया तो ओपनिंग यहां तो क्लोजिंग यहां लिखा था ना। जरा बताओ क्लोजिंग क्रेडिट में आया कि डेबिट में आया, सर डेबिट में आया। तो एक तो नाम कोई डाउट ना हो, नंबर ए आप बोलेंगे क्या जी, ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, एक तो ये आएगा। पता है आप विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है, कितनी बार, ट्वेल्थ क्लास ही नहीं, सीएमए भी पूछ देता है, सीएमए भी पूछ देता है, और बच्चों को परेशानी, पता नहीं क्या होगा जी यहाँ पे, कुछ नहीं होगा यार, सिंपल सी बात है। एक तो ये, और एक नाम लिख रहा हूँ, नया नाम है बिल्कुल आपके लिए, वो नया नाम है जी, लिखिए यहाँ पे परमानेंट ड्रॉइंग्स। सर अभी तक तो हमने ड्रॉइंग सुना था, ये परमानेंट ड्रॉइंग्स क्या होता है लिख लो पहले बच्चे, मैं फिर बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है परमानेंट ड्रॉइंग्स। मैंने कहा कि अगर वो यहाँ देखिए अगर कोई परमानेंट, यहाँ मैं थोड़ा मिटा दूँ इसको सर, हाँ आप मिटा सकते हो, ये लीजिए मैंने इसको मिटाया, और कहा कि अगर कोई परमानेंट ड्रॉइंग्स होता है, परमानेंट ड्रॉइंग्स, तो परमानेंट ड्रॉइंग्स क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब आप उससे झगड़ा करने को तैयार हो गए, आपने कहा कि सर आप गलत काम कर रहे हो। आज जब आपने क्लास शुरू किया था, उस समय से जब आपने ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो ड्रॉइंग्स आपने लिखा था करंट अकाउंट में, ड्रॉइंग्स आपने करंट अकाउंट में लिखा था, आपने ड्रॉइंग्स के आगे सिर्फ एक नाम ऐड कर दिया परमानेंट ड्रॉइंग्स, परमानेंट, और आपने फिर यहां लिख दिया, ये तो गलत बात है सर। हम छोटे बच्चे, हम कैसे समझेंगे कि ड्रॉइंग्स में और परमानेंट ड्रॉइंग्स में क्या फर्क है। तो आप चिंता ना करो, मैं हूं ना बच्चे, मैंने कहा था ना आज क्लास खत्म होगी तो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रहेंगे आपका। मैं आपको बताता हूं, आप देखो आपको कितना अच्छा लगेगा मेरी बात समझना। एक्चुअली होता क्या है, ड्रॉइंग्स जो है ना, ड्रॉइंग्स आपका, मैं परमानेंट ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूं। ड्रॉइंग्स दो तरीके के होते हैं बच्चे, दो तरीके के, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, आप एक काम करेंगे, लिखेंगे मेरे साथ नोट नंबर थ्री, मैं यहां लिख दूं मैं सर, हाँ लिखो नोट नंबर थ्री। कहते हैं कि हेडिंग डालना ड्रॉइंग्स। ये जो ड्रॉइंग्स होता है ना बच्चे, ये दो तरीके का होता है, दो तरीके का, एक होता है आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स, एक होता है परमानेंट ड्रॉइंग्स, और एक होता है आपका रेगुलर ड्रॉइंग्स। सर दोनों में क्या फर्क है बताऊंगा बच्चे, लिखो तो पहले आप यहां पे, एक होता है परमानेंट ड्रॉइंग्स, एक होता है रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका, दो तरीके की ड्रॉइंग्स होती है। लिखिए इसके बारे में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉइंग्स
drawings on account of capital. सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा. अरे आप लिखो तो मैं समझाऊंगा. कहते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, और इसके बारे में कहा गया आपका इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक नाम है अलग से इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट. और ये काम करना, ये ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल और ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट को आप कर लो अंडरलाइन दोनों में, आपका दोनों में किचन अंडरलाइन यहाँ पे दोनों में करेंगे आप. चलो जी, तो आप इसको करेंगे आप अंडरलाइन ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट आपका. अब चलो आओ जरा इनका मैं मीनिंग समझता हूँ, इसका मतलब क्या निकल के आता है. देखो एक है आपका यहाँ पे परमानेंट ड्रॉइंग्स, एक है आपका यहाँ पे जी रेगुलर ड्रॉइंग्स. जरा समझते हैं इसका मतलब क्या होता है. पहले मैं इसके बारे में समझाता हूँ रेगुलर ड्रॉइंग्स क्या होता है. आप मुझे बताओ एक एक बिजनेसमैन, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हो जाए जी, चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप काम कर रहा, चाहे एक दुकान चला रहा, कोई भी आदमी की बात करो, मुझे बताओ एक बिजनेसमैन क्या होता है? एक इंसान ही होता है ना बच्चे? सर हाँ जी सर, एक इंसान होता है. आप मुझे बताओ कि क्या इंसान को भूख लगती है कि नहीं लगती है? लगती है सर. आप बताओ अगर वो बिजनेसमैन एक बिजनेस कर रहा है और अगर उसको भूख लगेगी तो पैसा कहाँ से निकालेगा? सर वो बिजनेस से निकालेगा, वहीं से तो कमा रहा है, तो खत्म होगी बात यार. बिजनेस से जो भी पैसा निकालेगा अपने पेट को भरने के लिए, अपने घर के काम को करने के लिए. सर पेट तो ठीक था, अब घर का काम कौन सा आ गया? क्यों बच्चे, कई सारे काम होते हैं. अब देखो ना, एक एक बिजनेसमैन जिसको अपने अपने बेटे को पढ़ाना है, अपने बेटी को पढ़ाना है, बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बेटे का कई सारे ख्वाहिश होते हैं, बाइक चाहिए, ये चाहिए, उसको फुलफिल करना है, ये सारे काम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो कहीं चोरी तो नहीं करेगा? वो पैसा कहाँ से निकालेगा? सर बिजनेस से ही तो निकालेगा, तो खत्म होगी बात, टेंशन खत्म, यहीं पे सारे सवाल खत्म हो गए. मैंने कहा कि अगर एक बिजनेसमैन, अगर एक पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने हाउस होल्ड पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए, किसी भी काम के लिए, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम आपका, तो आप कह देना वो उसकी रेगुलर ड्रॉइंग से बचे, रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका. हाँ, इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट. अरे विड्रॉ क्या करूंगा, प्रॉफिट का ही तो पैसा विड्रॉ करूंगा, प्रॉफिट का ही पैसा निकालूंगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे रेगुलर ड्रॉइंग्स? अरे प्रॉफिट कमाऊंगा तभी तो विड्रॉ करूंगा बिजनेस से आपका, ये समझते क्यों नहीं आप? तो उस केस में क्या करेंगे, इसी को बोलेंगे हम आपका रेगुलर ड्रॉइंग्स यहाँ पे, ठीक है ना? सर थोड़ा ठीक से बताओ क्यों अभी तो किया? अरे पार्टनर्स को आपने इंटरेस्ट दिया, पार्टनर्स को आपने सैलरी दिया, पार्टनर्स को कमीशन दिया, पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा दिया, उनके उनके अकाउंट में ऐड कर दिया आपने, ऐड किया ना आपने? सर हाँ जी सर ऐड किया. फिर जो ड्रॉइंग्स कर रहा है, जो जो चीज़ आपने ऐड किया उनके कैपिटल को बढ़ा दिया, अब घर के नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा बिजनेस से बाहर निकाल रहा जी, वो क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे. और अगर उस ड्रॉइंग्स को हम और डिटेल में जाए तो हम क्या बोलेंगे आपका? रेगुलर ड्रॉइंग्स बचे, रेगुलर ड्रॉइंग्स. ये रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका होता है. तो फिर से बताओ फिर परमानेंट ड्रॉइंग्स क्या होता है? परमानेंट ड्रॉइंग्स बड़ा सिंपल है बच्चे, वो तो आप देख के ही पहचान जाएंगे. एक तरीका क्या कि देखो इसका नाम बोला गया ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल. अगर ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल कह देगा तो आप हो जाएगा वो परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका, उसका मतलब परमानेंट ड्रॉइंग्स होता है. सर मीनिंग समझाओ ना, कैसे समझाओगे? तो चलो मैं बताता हूँ. ये देखो आप मान लो दो पार्टनर है ए एंड बी, मान लो दो पार्टनर ए एंड बी, इन दोनों का जो कैपिटल है बिजनेस में, इनका जो कैपिटल है जी, इनका मान लो कहता है कि 3 लाख रुपए का अमाउंट है और इनका कैपिटल मान लो कहता है कि 1 लाख रुपए का अमाउंट है. जरा बताओ 3 लाख और इनका 1 लाख दोनों मिला के कितना हो गया? मान लो दोनों मानना क्या 4 लाख ही तो होगा. अरे 3 + 1 = 4 ही तो होगा सर. हाँ, अब इन दोनों ने क्या किया, डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो हमारा कैपिटल होगा, फ्यूचर में आने वाले समय में वो कैपिटल हमारे बीच में इक्वल होगा जी. होता बच्चे कई बार पार्टनरशिप चेंज होता है आपका, पहले कैपिटल 3 लाख आपका था, 1 लाख आपका था जी. अब इन्होंने डिसाइड किया कि जो 4 लाख रुपए हम लोगों का कैपिटल है वो हमारे बीच में इक्वली होगा, इक्वली. तो जरा बताओ कि 4 लाख का कैपिटल अगर मैं इक्वली करना चाहूँ तो अब नया कैपिटल ए का कितना हो जाएगा? सर 2 लाख रुपये. और बी का कितना हो जाएगा? सर 2 लाख रुपये. अगर 4 लाख कैपिटल को अगर इक्वली करूँ तो 2-2 लाख रुपये होगा जी. सर ये इक्वली नहीं, कुछ भी हो सकता है बच्चे, मैं तो मीनिंग की बात कर रहा हूँ.
अब जरा यहां देखो, जरा यहां देखो, ए का कैपिटल पहले से कितना है? 3 लाख रुपए। जरा बताओ अब इनका कैपिटल कितना होना चाहिए? सर 2 लाख रुपए। तो इनका कैपिटल जो होना चाहिए वो पहले से कितना ज्यादा है? सर पहले कैपिटल 3 लाख था, अब इनका 2 लाख होना चाहिए, तो पहले से जो इनका कैपिटल वो 1 लाख रुपए ज्यादा है। मेरे बच्चे ये 1 लाख क्या करेंगे? वो बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे। जरा मुझे बताओ ये जो 1 लाख का बिजनेस से विड्रॉल हुआ, क्या अपने किसी घर के पर्पस को पूरा करने के लिए? नहीं सर, ये वो पर्पस नहीं रहा, ये तो कैपिटल को इन्होंने करना है कि भैया पहले 3 था, अब हमारा कैपिटल 2 लाख रुपए आएगा, एग्रीमेंट हो गया। तो फिर ये जो 1 लाख रुपए आप बिजनेस से विड्रॉ कर लोगे, अपने कैपिटल से कम कर लोगे, इसी को बोलते हम परमानेंट ड्रॉइंग्स। आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स बिल्कुल साफ सुथरा है। कहते हैं कि भैया पहले कैपिटल हमारा 5 लाख था, अब मान लो बिजनेस में हमने डिसाइड किया कि 4 लाख ही मेरा कैपिटल होना चाहिए, 4 लाख से ज्यादा नहीं, तो 5 था 4 रहा, तो 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लो। ये ड्रॉइंग्स जो कहा जाएगा उसको क्या बोलेंगे बच्चे? आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स। आपका परमानेंट ड्रॉइंग्स, आपका ये देखो परमानेंट ड्रॉइंग्स को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल से ही विड्रॉ किया जाएगा, कैपिटल को ही कम कर दिया जाएगा आपका, तो ये निकल के आएगा। और यहां देखो ना, बी का कैपिटल 1 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए अब होना चाहिए, तो इनको 1 लाख बिजनेस में और कैपिटल के नाम पे पैसा लाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। आपका एडिशनल कैपिटल, तो मेरे बच्चे एडिशनल कैपिटल और जो परमानेंट ड्रॉइंग्स होगा यही सिर्फ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, यही कैपिटल अकाउंट में। तो मैं कहना चाहता हूं, एक तो पॉइंट आपका ये निकल के आ गया जी, एक पॉइंट और लिखिए, नंबर टू आपका यहाँ पे, नंबर टू लिखेंगे कि परमानेंट ड्रॉइंग्स जो होते हैं, ड्रॉइंग्स आर शोन इन कहाँ पे? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में कौन से मेथड के अंदर? आपका अंडर फिक्स कैपिटल मेथड आपका, ठीक है जी। और जरा यहाँ देखो, यहाँ पे हमने बोला नंबर टू कि जो रेगुलर ड्रॉइंग्स होता है, कहते हैं कि इट इज शोन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अच्छा अब समझ में आया सर कि अभी तक जो ड्रॉइंग्स आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा करते थे वो आपका रेगुलर ड्रॉइंग्स हुआ करता था, इसका मतलब आपका। हाँ बच्चे हाँ, जब भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोलेगा ड्रॉइंग्स और आपको नहीं बताता वो कौन सी ड्रॉइंग्स है, तो हमेशा क्या मानेंगे आप? रेगुलर ड्रॉइंग्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको ये भी याद नहीं करना। तो एक काम करना, ये तो हो गया आपका यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेज, और भी कई सारी बातें आएंगी यहाँ पे, मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले आप लिखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट, आप लिखेंगे इम्पोर्टेंट नोट आपका यहाँ पे नोट, कहता है कि अनलेस अदरवाइज मेंशन का मतलब होता है कि जब तक क्वेश्चन कुछ मेंशन ना कर दे ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज एज्यूम्ड टू बी रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका। मेरी बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी सर, समझ में आ रही है। मैंने कहा कि जब तक कुछ क्वेश्चन बोल ना दे, अगर वो साफ साफ कहेगा कि ड्रॉइंग्स आपका परमानेंट है या रेगुलर है, तब तो ठीक है जी। परमानेंट का को और कैसे बोल सकता है? ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल आपका। तो चाहे बोल दे परमानेंट ड्रॉइंग्स या कह दे कि ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब क्या? ड्रॉइंग्स परमानेंट है। ये परमानेंट ड्रॉइंग्स कहाँ जाता है बच्चे? आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में। अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहा हूँ तो जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा वहाँ पर जाएगा परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका। लेकिन अगर मान लो कि आपका वो कहता है कि रेगुलर ड्रॉइंग्स है, या फिर ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट कह दे जी, या सिर्फ ड्रॉइंग्स वो ना बताए ड्रॉइंग्स कौन सा है, तो फिर नोट ध्यान देना। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, तो ड्रॉइंग्स को हमेशा आपको क्या मानना है? रेगुलर ड्रॉइंग्स मानना बच्चे, रेगुलर ड्रॉइंग्स। और जो रेगुलर ड्रॉइंग्स होगा वो क्या होगा जी? ये ड्रॉइंग्स माना जाएगा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अच्छा अब समझ में आया सर। यानी कि जो पीछे के आपने दो क्वेश्चन कराए
उन दोनों क्वेश्चन में जो ड्रॉइंग्स आपका था वो कौन सा ड्रॉइंग्स था आपका? तो वो ड्रॉइंग्स आपका था रेगुलर ड्रॉइंग्स, इसलिए आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाला था। यही बात निकल के आई ना? अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। तो एक बार शॉर्ट रिविजन फटाफट जी फटाफट करें हम आपका। परमानेंट ड्रॉइंग्स का मतलब होता है सिर्फ एक एग्जाम्पल, दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं। कैपिटल पहले 5 लाख था, अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि भैया कैपिटल 4 लाख रुपये होगा, तो उस केस में 1 लाख का अमाउंट जो हमने विड्रॉ किया हम इसको बोलेंगे परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका, परमानेंट। इसके सिवाय कोई भी ड्रॉइंग्स कह दे, बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करना है, बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, घर में पैसा खाना खरीद सॉरी पैसा नहीं खाना, पैसे से सामान खाना है, भूख लगी मतलब खाना खाना है, किसी को कुछ गिफ्ट करना है, कुछ भी करना है, अगर आपने किसी भी दूसरे काम के लिए बिजनेस से पैसा निकाला तो हम उसको बोलेंगे आपका रेगुलर ड्रॉइंग्स आपका। इतनी सी बात निकल के आती है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जरा बताओ दोनों में डिफरेंसेज क्या है। सर दो ही डिफरेंस है? नहीं बचे, अभी 2-3 और हैं, हम अगले क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे आपके साथ, आप चिंता ना करना। लेकिन फिलहाल तो ये दो ड्रॉइंग्स आपको निकल के आते हमने बताया, और हमने बताया ये भी बात जी आपको कि अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ बोलता है कि ड्रॉइंग्स है और आपको ना बता कि कौन सा ड्रॉइंग्स, तो आप उसको क्या मानेंगे? रेगुलर ड्रॉइंग्स। और रेगुलर ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा आपका? करंट अकाउंट के अंदर में आपका, ठीक है ना सर? हाँ जी सर ठीक है आपका। तो आप देखो जरा फिर से हम बैक टू टॉपिक होते हैं आपका, कहते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में आपके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा जी? दो नाम, ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल आपका। और दो नाम जरा बताओ कि डेबिट साइड ऑफ आपका, डेबिट साइड ऑफ आपका क्या लिखा था हमने? कैपिटल अकाउंट क्या होगा जी इसके अंदर में? तो एक तो क्लोजिंग हो गया, एक परमानेंट ड्रॉइंग्स आपका, लिख दो यहाँ पे। परमानेंट ड्रॉइंग्स को और क्या बोलते हैं? लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल आपका, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल आपका। तो ये हमने काम यहाँ पे क्या किया जी आपका, खत्म किया, यहाँ पे काम खत्म किया बच्चे। आज हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, आज हमारी क्लास यहीं पे एंड होगी। अगली क्लास की जो हमारी शुरुआत होगी, वो शुरुआत होते ही मैं क्या करूँगा, पहले आपको एक फॉर्मेट दूंगा, जैसे मैंने फ्लक्चुएटिंग आपको दिया था, उस फॉर्मेट के अंदर में हम क्या करेंगे जी, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा वो बताऊंगा आपका। और बड़ा ही इंटरेस्ट टॉपिक शुरू करेंगे अगली क्लास में ड्रॉइंग्स को लेकर, कि ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट निकालने को लेकर हम क्या क्या काम करेंगे बच्चे आपका। अरे हाँ, जाते जाते एक छोटा सा पॉइंट और, दिमाग से स्लिप ना कर जाए कल की क्लास के लिए आपका, थोड़ा सा स्लो, टेंशन नहीं करना, बस एक मिनट की बात है, फिर आप मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं आपका, टाइम मैंने सेव किया आपका, सुनिए मेरी बात। सर एक बात बताओ, आपका एक सवाल आ रहा है दिमाग में, मुझे लग रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों, कि सर ये एक ड्रॉइंग्स होता है परमानेंट और एक ड्रॉइंग्स होता है रेगुलर, आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं बताए, अकाउंट्स के मुताबिक। हाँ सर ठीक है, कोई बात है, झगड़ा नहीं करते। ये आपने कहा कि अगर ड्रॉइंग्स परमानेंट होगा तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, आपने कहा कि अगर वो ड्रॉइंग्स रेगुलर होगा तो जाएगा करंट अकाउंट में। कुछ ना बोले तो मान लेंगे कि रेगुलर ड्रॉइंग से चल जाएगा करंट अकाउंट में, समझ में आ गई बात आपका। लेकिन ये बातें फिक्स कैपिटल के अंदर हुई ना सर? हाँ बच्चे, फिक्स कैपिटल के अंदर हुई। तो सवाल ये उठता है कि पिछली क्लास के अंदर में जो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को डिस्कस किया था, याद करो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मेथड के अंदर आपने क्या किया था? सब कुछ कैपिटल अकाउंट में लिखा था ना सर? हाँ वो तो हमें याद है, लेकिन सवाल सुनो सर, पहले सवाल सुनो, बताओ फिर सवाल क्या है आप करो, जरा बताओ कि अगर पिछला मेथड होता फ्लक्चुएटिंग वाला, तो फ्लक्चुएटिंग में ये जो परमानेंट ड्रॉइंग्स है और रेगुलर ड्रॉइंग्स है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ लिखूंगा मैं? ओहो, आपने जवाब खुद दे दिया बच्चे, आपने खुद जवाब दे दिया, मैं क्या जवाब दूं? आपने कहा कि सर वहां पे एक ही अकाउंट बनता है, क्या जी? कैपिटल अकाउंट। वहां कैपिटल करंट अकाउंट बनता ही नहीं है, तो अगर वहां पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो फिर क्या टेंशन होता जी? अगर ड्रॉइंग्स परमानेंट होगा या ड्रॉइंग्स अगर रेगुलर होगा तो दोनों क्या कैपिटल अकाउंट में ही तो जाना है, आप समझे मेरी बात? अरे झगड़ा तब होगा जब दो अकाउंट बनाऊंगा, अगर अकाउंट ही हमारा एक बनना है तो ड्रॉइंग्स आपका रेगुलर हो जाए चाहे ड्रॉइंग्स आपका परमानेंट हो जाए, दोनों कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, फिर क्यों झगड़ा करना, क्या झगड़ा? चलो कोई बात नहीं, आपका जो सवाल दिमाग में था मैंने उसको खत्म कर दिया, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे नए जोश के साथ बच्चे, आगे काम को और कंटिन्यू करेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए तब तक के लिए आप सबको बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। चलो जी बाय बाय।